आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्री लैपटॉप योजना को लेकर। अभी देखो मैंने एक दो छात्रों के काफी कमेंट भी देखे थे कि सर जो फ्री लैपटॉप योजना के जो हमें लैपटॉप मिलने थे वो हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब देखो जितनी भी जो स्थिति बन रही थी वो स्थिति मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था काफी दिन पहले। उस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आप उस चीज को समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर भी करने वाला हूँ कि अगर आपको लैपटॉप मिलेंगे तो कब तक मिलेंगे और साथ में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये चीजें मैंने ऑलरेडी आपको स्थिति क्लियर भी कर दी थी, लेकिन मैं फिर से यहां पर बात करना चाहूंगा। देखो फर्स्ट में तो आपको इससे रिलेटेड मैं क्लियर कर देता हूं। देखो लास्ट 2019, ठीक है, जो आंकड़े मैं बता रहा हूं उसके ऊपर आप ध्यान देना। 2019 से लेकर 2023 आपका आ चुका है, ठीक है, अब 24 ही आने वाला है। अभी तक आपको लैपटॉप नहीं मिला है। 1,21,000 जो स्टूडेंट है इसके लिए भागीदार है। 8th बोर्ड के स्टूडेंट हो गए, 10th बोर्ड के स्टूडेंट हो गए, 12th बोर्ड के स्टूडेंट हो गए, इन सभी को यहां पर लैपटॉप मिलना था। अब तो क्या है कि एक स्टूडेंट तीन तीन लैपटॉप के लिए भागीदार है। अब उसके बाद में क्या था कि जो हमारी कांग्रेस सरकार थी, ठीक है, जो हमारे सीएम थे, अभी तो फिलहाल है नहीं, जो हमारे सीएम थे, जो पूर्व सीएम थे अशोक गहलोत जी, उन्होंने सरकार यानी जो आपके चुनाव थे विधानसभा के उससे पहले उन्होंने घोषणा करके दी कि हमने लास्ट बार 1,15,000 जो स्टूडेंट है उनको एक तरीके से लैपटॉप बांटा है। तो इस बार भी आप सभी के लिए लैपटॉप स्कीम की जो योजना है वो स्टार्ट की जा रही है। फॉर्म वगैरह आप भर दीजिए, आपको लैपटॉप तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। छात्रों ने वहां पर फॉर्म वगैरह भी भरे, मतलब कि फॉर्म भी भरा, क्योंकि वहां पर आपके लिए जो फॉर्म वगैरह है वो एक तरीके से अवेलेबल थे। अब उसके बाद में सरकार कांग्रेस की गई, अब आ गई आपकी बीजेपी की सरकार। अब स्थिति क्या रहेगी वो यहां पर मैं क्लियर करता हूं। अब देखो यहां पर छात्रों को टैबलेट भी मिलने थे, साथ में यहां पर छात्रों को लैपटॉप भी मिलने थे। अब क्या था कि 2019 से 20 और 20 से 21 छात्रों को तो यहां पर मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां पर उन्होंने कोरोना में पास किया था और परमानेंट स्टूडेंट को वहां पर बिल्कुल ई पेपर में बिल्कुल क्लियर किया था। वहां पर वो चीजें मुझे पता है कि वहां पर बिल्कुल क्लियर किया था कि जो प्रमोट स्टूडेंट है उनको लैपटॉप वितरित नहीं किया जाएगा। जो 2022-23 मतलब कि 2021-22 और 2022-23 के जो स्टूडेंट है उनको यहां पर वितरित किया जाएगा। अब उसी के बाद में यहां पर बोर्ड का टोटल यहां पर देखिए, जैसे एक लैपटॉप की कीमत है 23,900 रुपए, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1,20,021 से तो यहां पर आपका टोटल 288 करोड़ के तकरीबन बैठता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या था कि यहां पर निदेशालय है, निदेशालय बोर्ड ऊपर प्रेशर बनाता था कि यहां पर छात्रों को लैपटॉप वगैरह क्यों नहीं मिल पा रहा है। बोर्ड बोलता था कि इतना तो हमारा बजट नहीं है, 288 करोड़ का तो हमारा बजट नहीं है, तो और हमारे पास पैसे नहीं है। और बोर्ड सरकार के ऊपर अगर प्रेशर डालता था, उस टाइम की बात कर रहा हूं, तो वहां पर सरकार बोलती थी कि हमारे पास में बजट नहीं है, पैसे देने के लिए नहीं है, क्योंकि वो पैसे जो फ्री में फोन वगैरह बांटने में या और चीजें बांटने में कांग्रेस सरकार के द्वारा वहां पर एक तरीके से चले गए थे। अब दिक्कत क्या आ रही है, देखिए एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, जो लास्ट वीडियो था उसमें भी मैंने आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया था और इस वीडियो में भी मैं क्लियर कर रहा हूं। अब आपको शायद ही, देखो मुझे लग रहा है शायद ही आपको लैपटॉप मिले, क्योंकि ये प्रक्रिया है ये दोबारा से स्टार्ट की जाएगी। दोबारा से स्टार्ट करने का कारण क्या रहेगा, क्योंकि एक तो ये है कि अभी जैसे बिजली बिजली विभाग वगैरह है ये सब कुछ घाटे में चल रहा है। अब बीजेपी ना आते ही, मुझे पता था ये चीजें कि बीजेपी आते ही यहाँ पर सब कुछ दिखा देगी कि इतना पैसा है वहां पर कांग्रेस ने वहां पर लगा दिया, इतना पैसा उन्होंने वहां पर लगा दिया, अब आपकी यूनिट वगैरह मतलब की जो भी बिजली का जो भी रहता है वो आपका बढ़ेगा, ठीक है, तो इन चीजों में आपका पैसा लगेगा। तो यहाँ पर आपको फ्री लैपटॉप यानी जो आपके पेंडिंग लैपटॉप थे वो आपको नहीं मिलेंगे। अब 2023 मतलब कि 2024-25 की जो प्रक्रिया है वो दोबारा से स्टार्ट की जाएगी और यहाँ पर जो एलिजिबल स्टूडेंट रहेगा उन सभी को यहाँ पर फ्री लैपटॉप एक तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पर आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आस लगाए बैठे हैं कि अभी भी हमें एक तरीके से लैपटॉप मिल सकता है, जो स्कीम थी फ्री लैपटॉप योजना उसके तहत, तो आपका जो ये डाउट है वो मैं बिल्कुल क्लियर देता हूं। अब बिल्कुल आपको एक तरीके से फ्री लैपटॉप वगैरह नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर सरकार के पास में बजट भी नहीं होगा। बजट नहीं होने का कारण यही है कि वहां पर मोबाइल वगैरह है वो बांट दिए गए थे और सरकार अगर जाती जाती अगर आपको लैपटॉप दे जाती तो अच्छी बात थी, लेकिन अब आपको शायद ही लैपटॉप मिले। हां, जो 2023 के मतलब 2024 के जो स्टूडेंट रहेंगे एलिजिबल रहेंगे, जिनके 80% अबव मार्क्स रहेंगे, वो स्टूडेंट बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, उनको टैबलेट भी मिलेगी, उनको लैपटॉप भी मिलेगा। तो ये स्थिति मुझे क्लियर करनी थी जो कि मैंने आप सभी छात्रों के समक्ष बिल्कुल क्लियर कर दी है। बाकी जितने भी स्टूडेंट हो आप खुद भी समझदार हो कि सरकार के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है, कोई भी सरकार एक तरीके से भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहेगी, और वो भी 2019 का यानी कि 4 से 5 साल का जो स्टूडेंट वहां पर
टेंथ में था या ट्वेल्थ में था, वो आज ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया होगा, शायद ग्रेजुएशन है वो उसकी कंप्लीट हो चुकी होगी, वो अपनी मास्टरी कंप्लीट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये स्थिति थी, जो स्थिति थी वो मैंने बिल्कुल आप सभी छात्रों को क्लियर कर दी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका माइंड में जो भी आपके चल रहा हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, जो भी आउटपुट आपका रहता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।